नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिलोक कुमार झा। मातृ पुत्र देवो भव, इसी भावना को सार्थक करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध हर्बल स्वास्थ्य वर्धक कंपनी आयुर हर्बल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मनमिंदर सिंह नारंग ने अपने पिता स्वर्गीय सरदार हरबंस सिंह जी नारंग एवं माता स्वर्गीय गुरशरण कौर जी नारंग के पुण्य स्मृति में दिनांक 29 से 31 मार्च तक 3 दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। आयुर फैक्ट्री हनुमान चौक रंजीत नगर पटेल नगर के प्रांगण में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में रक्तचाप, शुगर, ECG, नेत्र, हड्डी, महिला रोग, दंत रोग सहित HIV/AIDS एवं अन्य सामान्य बीमारियों की जांच एवं मुफ्त दवा वितरण किया गया। इस शिविर में सेंट जॉन एम्बुलेंस दिल्ली ब्रिगेड ने भी सहयोग दिया। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या मरीजों ने शिरकत की और अपने रोगों की जांच कराई। शिविर में आर्यावर्त टीवी ने मरीजों एवं डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर से भी बात की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जो यहाँ ज़रूरतमंद है उनकी मदद के लिए लगाया है। हमने अपने माता पिता की सालाना यादगार के लिए और यहाँ क्योंकि ज़रूरतमंद काफ़ी हैं तो इसलिए हमने इस बार विचार किया कि ये 3 दिन का मेडिकल कैंप लगाया जाए। इसमें आपने क्या क्या फैसिलिटी कैसे सुविधाएं दी? सुविधा इसमें BP, शुगर, आई टेस्टिंग, दांतों का आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठाए हैं। बेसिकली एक जो बीमारी के लिए किसी को जो ज़रूरत होती है कि उसके लिए इनिशियल में क्या चेकअप करने के लिए वो सारी चीज़ों की उपलब्धि कराई है। तो दवा भी वितरित कर रहे हैं मुफ्त में? दवा हमारे पास जो है हम वो वितरित कर रहे हैं उनको, क्योंकि जो इलाज चेक ही नहीं करवा सकता वो दवा कहाँ से लेगा, तो इसलिए हमने दवा का भी इंतजाम किया है जितना हमारे से हो सकता है। तो ये 3 दिन का कैंप में अब तक कितने लोग आ चुके हैं, पेशेंट आ चुके हैं? पहले दिन में हमारे से 200 से ऊपर लोग थे। कोशिश है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। हमारा 1000 तक का टारगेट है, 1000 आदमियों तक का तो करें। इसके लिए मैंने अपनी पब्लिसिटी कैसे साधन किस साधन अपनाए? लोग दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैंने अभी एक आदमी बात की, वो कैंप एरिया से भी आए थे, काफ़ी दूर से आ रहे हैं। हाँ। कैसे आपने वो हम एक सालाना अखबार में देते हैं, फादर मदर का कीर्तन के लिए देते थे, वो पेपर में भी दिया था। और इसके अलावा हम ये हैंडबिल दे रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं घर घर में, जो भी जान पहचान के उनके थ्रू भी दूर दूर तक जो जैसे जानने वाले हैं। ये जैसे जनकपुरी से हैं सतपाल सिंह जी, इनके यहाँ भी भिजवाए हैं, तो लोग कहीं कैंप से उनके यहाँ जो जो जैसे गुरुद्वारों में और मंदिरों में मस्जिदों में रखवाएं ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो वो आ सके। सेंट जॉन एम्बुलेंस वाले का आपका सहयोग मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है? नहीं, अच्छा है, उनका काफ़ी है संयोग है, डॉक्टर्स आ रहे हैं और बाकी मेडिसिन वगैरह भी जो उनके पास हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी सोर्सेज हैं जो कि अपना जो जो दे रहे हैं, हम सबकी सेवा ले रहे हैं और इसको कामयाब कर रहे हैं। लोग अधिक से अधिक आए, इसके लिए आपको संदेश दीजिए। हम तो चाहते हैं कि जो बीमारी एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं चलती है और वो अपने मौत के कगार तक पहुंच जाते हैं, तो कम से कम उनको अपना एक इलाज कराने के लिए टेस्ट जरूर करवा लेने चाहिए। इसीलिए हमने इनके लिए निःशुल्क सेवा रखी है ताकि उनको अपनी बीमारी का खुद को तो पता चल जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। इसमें सेंट जॉन एम्बुलेंस का भी काफ़ी हम अभी जैसे सरदार ने बताया, तो कैसे आप इनके साथ जुड़े, कैसे आप कर रहे हैं? ये आयुर वालों के साथ तो हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, समझे और इनके साथ में हम हेल्थ चेकअप कैंप में भी और भी कई फंक्शंस में ट्रेनिंग में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में कई जगह से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने हमारे यहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस भी दी हुई है जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस को, और वो भी काम करती है डिजास्टर्स में, इधर उधर सब जगह वो काम करती है। आप तो इनके अलावा बहुत सारे कैंप में भी करते रहते हैं, और क्या क्या आपको उपलब्धियाँ हैं थोड़ा आपको बताइए। देखिएगा कि अब जैसे इस कैंप के अंदर है, हमने कोशिश ये की है इनके साथ में एसोसिएट करके आयुर फैमिली के साथ में हेल्थ चेकअप कैंप में मेडिसिन का तो दिया ही है, हमने डॉक्टर्स भी दिए हैं यहाँ पे, पैरामेडिकल्स भी दिए हैं, और आपका गायनी का है, आपका ऑर्थोपेडिक का है, आईज का चल रहा है यहाँ पर, ये जो है BP का है और हाइपरटेंशन का है, HIV/AIDS का, हमारा ICTC सेंटर का है,
उसको हमने यहाँ पे कैंप इनके साथ में लगाया हुआ है ताकि HIV का इसका प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है सारे के सारे कोऑर्डिनेट करें और इनके साथ में बहुत टाइम से एसोसिएटेड भी है और आगे भी आने वाले टाइम में हमारे को भी इनकी तरफ से काफ़ी हेल्प मिलती रहती है, टाइम टू टाइम करते रहते हैं सब। देखिए ये कैंप इन्होंने पहली बार ही नहीं लगाया, अयुब इनके जो बुजुर्ग थे उन टाइम से ये कैंप लगते आ रहे हैं और ये एक हमारे साथी बन के चल रहे हैं और इस कैंप में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पटेल नगर में ये जागृति हुई है कि ऐसे कैंप लगें तो यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति जो भी आ रहा है उसको सेटिस्फैक्ट्री यहाँ से वो जा रहे हैं, ये मैंने कल भी पता लगाया। और जहाँ तक हमें था HIV/AIDS के अंदर कि यहाँ कोई नहीं आएगा और डेली के हमारे 15 से 20 लोगों ने आए और सही रिपोर्ट मिली है वहाँ, ताकि जिनको डाउट था कि हमें HIV/AIDS है वो नहीं है यहाँ पर। हाँ ये जो HIV रोग तो काफ़ी लोग छुपाते हैं लेकिन यहाँ सब लोग अपने बता रहे हैं। हाँ, आए हैं, उन्होंने को डाउट था, उन्होंने चेक कराया और हाथ क्या रिपोर्ट मिल रही है आधे घंटे में कि आपका बिल्कुल ठीक है। सेंट जॉन एम्बुलेंस का क्या योगदान है? देखिए यहाँ मेडिसिन भी दी गई हैं, डॉक्टर्स भी दिए, HIV/AIDS सेंटर भी, और जो ये अयुब वाले हमसे चाहते हैं, देखिए ये एक हमारे पार्टनर हैं, ये हमसे जो चाहेंगे हम देंगे और जो हम इनसे मांगते हैं ये हमें देते आ रहे हैं टाइम टाइम। ये बहुत और ख़ासतौर इनका सहयोग हमें गुरुपुरब्स, यहाँ के जितने गुरुपुरब्स हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है हर चीज़ का, कि जिससे कि हम गुरुपुरब में सेंट जॉन्स और इनसे मिल के रूट पर हमारे लोग जाते हैं जो ये सहयोग देते हैं, ये एक जॉइंट वेंचर चला आ रहा है। मेरा नाम उदय सेसवालिया है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली से मैं पिछले 37 साल से जुड़ा हूँ और आज मैं अपने सीनियर्स के मातहत पश्चिम दिल्ली ज़िला जो है उसको देखता हूँ बतौर सहायक आयुक्त पश्चिमी दिल्ली। यहाँ कैंप जो लगाने आपने पहली बार जैसे बताया आपने, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये कैंप हमारी सीरीज़ है, हम पिछले सालों में भी लगाते रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। ये जो ख़ासतौर से ये जो हमारा शिविर है ये हमने आयुर हर्बल प्रोडक्ट्स के जो प्रोपराइटर हैं इनके पेरेंट्स की यादगारी में लगाया है। इसमें अलग अलग पद्धति के जो चिकित्सक हैं उन्होंने आकर के लोगों की सहायता की है, जनरल फिजिशियंस बैठे हुए हैं हमारे पास, कल यहाँ पर हड्डियों के विशेषज्ञ थे डॉक्टर विजय कंसल, हमारे पास कल होम्योपैथी की पूरी टीम थी, कल हमने गायनी के लिए भी लेडी डॉक्टर प्रीति भांजा जी यहाँ हमारे साथ थी, और ऑक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, आई टेस्टिंग का हमने प्रोविजन यहाँ पे रखा हुआ है, शुगर ब्लड प्रेशर ये टेस्ट रखे हुए हैं और अलग अलग पद्धतियाँ सारी हमने यहाँ कवर की हैं और ECG के लिए विशेष तौर से इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये सारी सुविधा फ्री ऑफ कास्ट है और बहुत सारे लोगों का सहयोग इसमें हमें मिला है, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इस पूरे कार्यक्रम को आगे लाने के लिए, और यहाँ फ्री मेडिसिन भी हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो इनको मिल रही है यहाँ पर, होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम बांट रहे हैं साथ साथ। तो ये कार्यक्रम हमारा एक लगातार सीरीज़ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि साल में 3-4 बार ये चलता रहे प्रोग्राम। क्या जो पेशेंट वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं जो आ रहे हैं यहाँ? अभी तक तो अच्छा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लोग जाते हुए आशीष देकर के जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि हम हर तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रीति भांजा, शी हैड बीन एसोसिएटेड विद सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड फॉर द लास्ट ओवर 25 ईयर्स एंड दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट नाउ इट हैज़ बीन क्लोज्ड, बट डॉक्टर भांजा इन हर वॉलंटरी कैपेसिटी शी हैज़ बीन कोऑर्डिनेटिंग विद सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड and she had been helping the brigade in various health check-up camps and in various other medical matters. So now I request Dr. Bhanja to let her speak whatever she feels. Patient तो बहुत type का आ रहे हैं, ऐसे एक type नहीं mix type का आते हैं, ज़्यादातर अब joint pain भी है, जो agent gynec का problem भी है, और ऐसे जो आजकल का थोड़ा सा बुखार उखार जो सीजनल जो वायरल फीवर टाइप का वो सब आ रहे हैं, तो उसमें नॉट ए वेरी टिपिकल एक ही टाइप का पेशेंट ज़्यादा नहीं है, वो मिक्स टाइप का आ रहे हैं जिसमें गायनिक का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का जिसका बच्चा नहीं है उनका सजेशन लेने के लिए आ रहे हैं, उनको स्क्रीनिंग करके कहाँ भेजना है क्या करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं।
दूसरी बात है जो गायनिक का जो ठीक हो सकता है उसका यहाँ पे मेडिसिन है, मेडिसिन फ्री मेडिसिन दिया जाता है, और जिसका उसका बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो हम रेफर कर रहे हैं हॉस्पिटल से। तो अब तक कितने पेशेंट आपको आ चुके हैं? अभी तो ऐसे फुल डेज का अगर आप लेंगे गायनिक का स्पेशली 40-50 तक तो आ ही गए हैं, स्पेशली गायनिक का, और उसका बाद दूसरे जेंट्स भी आते हैं उनका कोई प्रॉब्लम अगर ये है। तो आपके सजेशन से संतुष्ट होकर जाते हैं पेशेंट? हाँ, मेरे को तो लगता है सेटिस्फाई है, क्योंकि परसों जो हम लोग देखे हैं फिर दोबारा आके कि ये तो थोड़ा बहुत ठीक है, आगे के लिए अगर ज़रूरत है तो हम कहाँ से मेडिसिन लेंगे ये सब पूछने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से सब पता चल रहा है कि उन लोग सेटिस्फाई है, और उसका बाद एंड उनका फेशियल एक्सप्रेशन एंड जो है भाव है उसमें से तो लगता है कि उन लोग बहुत सेटिस्फाई है। कैसा अनुभव लग रहा है, कैसे लोग पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास कई तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज़ भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आई की स्पेशलिटी है तो वो पेशेंट्स आई में रेफ़र किए जाते हैं, और मेरे पास जनरल पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कोई रूटीन में कोई प्रॉब्लम है जो कि एक जनरल फिजिशियन के लेवल पे की जा सकती है ठीक, उसी की तरह के पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर एज ग्रुप आ रहा है, एज़ ओल्ड एज़ 80+ और एज लो एज 20 ईयर्स ओल्ड। आप कहाँ कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? ज़्यादातर जो पेशेंट्स जिनसे मैंने बात की है वो आसपास के इलाकों से ही आ रहे हैं, और क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो यहाँ के ही पेशेंट्स काफ़ी हैं। आप सेंट जॉन एम्बुलेंस से भी जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव उनका जो व्यवस्था उनके बारे में बताइए आप। क्योंकि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित संगठन है, और उसके मिस्टर ओजस वालिया यहाँ के पश्चिमी दिल्ली के कमिश्नर हैं, तो उनकी संरक्षकता में जो ये कैंप हो रहा है तो उसमें स्वाभाविक है कि काफ़ी अनुशासन देखने को मिलता है, और जो इन्होंने प्रचार किया और उसके बाद जो अब व्यवस्था की है जिसमें कि दवाइयां भी दी जा रही हैं साथ में, और पेशेंट को इस तरह का अनुभव कि जिस तरह वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं उसी तरह का हम अनुभव देना चाह रहे हैं उनको। आप